नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोई फिजा इलाके के अहमदाबाद पैलेस में जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इतना ही नहीं, 7 से 8 राउंड फायरिंग भी किए गए। दो गुटों में जमीनी विवाद को लेकर यह संघर्ष हुआ है। दोनों ही ओर से 20 से 25 लोग आपस में लड़ते नजर आए। सुरक्षा मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। शहर में आए दिन जमीन को लेकर विवादों की घटनाएं होती रहती है। कोई फिजा इलाके में बुधवार देर शाम उस समय सनसनी फैल गई जब मिलन शादी हॉल के पास दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट की गई। इस दौरान गोलियां भी चली है और जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद रहवासी इलाके में दहशत का माहौल है। दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। मुझे मामला बताइए, क्या हुआ था एकदम यहाँ पे, जो जमीन को लेकर विवाद हुआ है, क्या है पूरा विवाद? ये है भाई साहब के ये जो ज़मीन है हमारी, हमारे दोस्त अरमान भाई के नाम ये ज़मीन है। 1973 की इसकी रजिस्ट्री है, 1973 की रजिस्ट्री है। हम लोग माननीय तहसीलदार, माननीय SDM, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय, जितने भी लीगल प्रोसेस होते हैं, मतलब वहाँ से हम लोग कोर्ट से वो ज़मीन को हम जीत के आए हैं। हमने आज हमारी बात हुई, नपती कराना थी, माननीय तहसीलदार महोदय ने हमारी नपती के लिए ऑर्डर करे। हम मौके पे पहुँचे, हमने पुलिस से ये कहा कि सर हम वहाँ कुछ हमला हो सकता है, कुछ लोग वहाँ पर जो हैं वो हम पे पूर्व में भी अड़ियाँ डाल रहे हैं, हमला हो सकता है। तो माननीय तहसीलदार महोदय ने और SDM महोदय ने हमारे लिए सुरक्षा के लिए पुलिस पहुँचाई। पुलिस पहुँचाने के बाद पता चला काम मामला चलता रहा। जैसे ही पुलिस गई और उन्होंने हमला कर दिया, मेरे रॉड लगी है। रॉड लगने के अलावा शारिक है वहाँ पर, शारिक शफीक मछली का भाई है, शारिक, उसका भतीजा यासीन उर्फ पिंटू, गौरव तिवारी और एक पांडे था। इन लोगों ने 4 फायर करें, मेरे रॉड लगी, मेरे साथी शोएब भाई जो जिनका जो ऑनर है प्लॉट के, उन पे पैर में रॉड लगी। इन लोगों ने हमला करा और मारपीट करी है। सुनने में आया वैसे भी ये प्लॉट काफ़ी विवादित रहा है, 3-4 एग्रीमेंट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए ये प्लॉट, देखिए प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए मैंने ख़रीदा, किसी और ने ख़रीदा, उसके बाद दूसरे ने ख़रीदा, ऐसा ये प्रोसेस है। मगर ये है कि ये जो प्लॉट है इसकी रजिस्ट्री है ऑनर के नाम, अरमान भाई, हमारे जो अरमान भाई हैं उनके नाम इसकी रजिस्ट्री है। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में भी चेक हुई है, मतलब एक तरीके से हम लोग निष्पक्ष हैं और हमारे पेपर जिनाइन है। हम तो ये कह रहे हैं आप हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जहाँ जाओ, जो विवाद करना चाहते थे लोग उन्होंने करा और आके वो शफीक मछली परिवार है, उन लोगों ने विवाद करा। इसमें यह भी बात सामने आ रही है कि एग्रीमेंट का ज़्यादातर पैसा उनकी तरफ से भी जमा है, उनकी बिना जानकारी की ये दोबारा से प्लॉट बेचा गया है। साहब ये बिल्कुल झूठी बात है। देखिए अरमान भाई जो हैं, अरमान भाई ने 1 रुपये नहीं लिए, और आप तो ये कहें कि ना आप तो, अगर आपका एग्रीमेंट है तो आप एग्रीमेंट लेकर आओ, माननीय न्यायालय के सामने रखो, पुलिस विभाग के सामने रखो, एग्रीमेंट भी ये लाएंगे तो जाहिर बात है फर्जी एग्रीमेंट लाएंगे जिस पे रिकॉर्ड कहीं चढ़ा ही नहीं होगा। मेरा तो चैलेंज है, क्योंकि हमें मालूम है, अगर मैं खुद पॉलिटिकल हूँ, अगर मैं ऐसा कोई अनलीगल काम नहीं करता, मुझे ये पेपर बिल्कुल निष्पक्ष हैं। हमारे लोगों का जमीन, हम लोगों ने एग्रीमेंट करा 11,000 स्क्वायर फीट का, तो मैं, मेरे दोस्त लोग थे 5, हम लोग ज़मीन पे गए थे। ये दिन भर से ये लोग, इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने भी कोई ज़मीन ली है वहाँ पे, तो इन्होंने उस हमारी ज़मीन में घुस के कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग गए, तो ये दिन भर से पहले तो हम लोग को कॉल करते रहे कि इधर आ मत जाना, हमने क्योंकि हमने हमारा जो बंदा था हमने उससे बात करी, इन लोग उसके थ्रू इनसे बात करी, इन लोगों ने बोला ये सब हमारा है। तो हम लोगों ने इनसे जब हमारी इनसे बात हुई, तो इन्होंने कंटिन्यूसली किसी मुख्तार मलिक के नाम से बोले थे कि हम के लोग हैं और ये हैं वो, ऐसी बात कर रहे थे। तो जब हम जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे अब्दुल्ला, जहीर और शोएब, ये तीनों लोग थे। तो हमने इनको मना करा कि भाई आप एक बार SDM साहब को एक बार फिर से नपती करवा दो, अगर नपती में ज़मीन आपके पास आती है तो आप इतना हो लेना, और अगर नहीं आती है तो फिर आप उस पर क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। पर इन लोगों ने वो बात तो सुनी नहीं, ऊपर से एकदम से मारना चालू कर दिया। मारना चालू करा तो मैं थोड़ा पीछे हुआ, तो उसमें से अब्दुल्ला ने निकाल के सर पर तलवार मार दी मेरे, तो तलवार लगी तो मैं गिर पड़ा। तो मेरे वहाँ पे दोस्त थे गुफरान, उन्होंने मेरे को पकड़ा और मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, तो इन्होंने गोली चलाना चालू कर दी।
उन्हें डराने के लिए गोली चलाई या मारने के लिए पता नहीं गोलियां चलाई उन्होंने, बहुत गाड़ी में बहुत गोलियां आजू बाजू। वहीं मौके पर पहुंची एसीपी नागेंद्र पटेरिया ने स्थिति को काबू में किया। उन्होंने बताया कि भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ है, गोलियों चलने का मामला आया है, प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर क्या है पूरा मामला? अहम बात पहले संतर्गत एक भूखंड का सीमांकन दिन के समय हुआ था और इस भूखंड के को लेके दो पक्षों में विवाद हुआ और गोली चलने की जानकारी प्राप्त हुई है। यद्यपि अभी तक किसी पीड़ित पक्ष से मेरी भेंट नहीं हो सकी है, परंतु मौके पे कुछ वाहन जिनमें तोड़फोड़ की गई है वो खड़े हुए हैं। अब किसी प्रत्यक्षदर्शी से भेंट होने के बाद ही वस्तुस्थिति की जानकारी हो पाएगी, मगर सूचना है कि गोली चली है। सर लगभग यहाँ पे कितने लोग थे विवाद के टाइम पे? अब जब तक मेरी किसी प्रत्यक्षदर्शी से भेंट नहीं होती या पीड़ित से भेंट नहीं होती है तो ये कह पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इधर एडिशनल डीसीपी रामसनेही मिश्रा ने बताया है कि सीमांकन का एक पक्ष ने आवेदन लगा रहा था, वहीं दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। दोनों ही पक्ष के लोग वहां मौजूद थे और इनमें विवाद हो गया, फायरिंग भी की गई है। अहमदाबाद पैलेस पर जमीन को लेकर विवाद हुआ था जिसमें फायर भी हुए, घायल भी हुए लोग। हाँ, ये जो अहमदाबाद पैलेस के पास एक एकड़ जमीन है जिसका मालिकाना हक अरमान खान के पास है जो पुतली घर में रहते हैं, इनके द्वारा सीमांकन का आवेदन लगाया गया था जिसके आदेश पर उसका सीमांकन हो रहा था, जिसमें से कोई नावेद नाम के व्यक्ति के द्वारा आपत्ति जाहिर की गई कि इसमें 11,000 स्क्वायर फीट उसका उसकी भी जमीन है। उसके पक्ष से कुछ सारिक मछली यासीन नावेद और अन्य 8-10 लोग पहुँचे हुए थे। यहाँ अरमान की तरफ से भी 8-10 लोग थे, इनमें आपस में विवाद हुआ है और फायर होने की भी खबर लगी हुई है। उसमें से एक व्यक्ति हरिशंकर पांडे घायल भी हुए हैं जिनका हमीदिया में उपचार चल रहा है। किसी को फायर आर्म्स की किसी प्रकार की चोट नहीं है, ऐसी एक सामान्य सी चोट है। दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो घटना का मूल कारण क्या है, चूँकि जमीन का विवाद है, वो विवाद की सारी जड़ों पर तथ्यों में लाया जा रहा है और जो विवेचना के मूल अंग होंगे उनको शामिल करके प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। सर, जमीन को लेकर बात भी आ रही है कि लगभग इसके 4-5 एग्रीमेंट भी हो, 2-3 पार्टियां जो है उसको अपना बताने का दावा भी कर रही है। अभी तक जो बात आई हुई है कि सन 1973 में इनके द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी, मिस्टर छोटू खान थे और उनकी अभी कोरोना मृत्यु के बाद इनके बच्चे अरमान खान के नाम पर ये जमीन उतरी हुई है। इनके द्वारा जब इसके नामांकन के लिए आवेदन किया गया था तो उसमें से 2-3 पार्टियां, एक मिस्टर नावेद और दूसरा सेफिया एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा आपत्ति ली गई थी, जो कमिश्नरेट तक उक्त मामला गया हुआ था जहां से उनके आवेदन को ऐसा पता लगा खारिज कर दिया गया था। उसी के तारतम्य में तहसीलदार के द्वारा सीमांकन का आदेश किया गया था। सर, इस विवाद में 7-8 फायर भी हुए जिसमें स्कॉर्पियो पे भी 2 फायर हुए और पिंटू नामक व्यक्ति भी घायल हुआ है जिसका हमीदिया में उपचार किया गया था। नहीं, इसमें हरिशंकर पांडे की तरफ से देहाती नालची ली जा रही है जिनके सिर में एक खरोच का निशान बना हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई रॉड या डंडे की चोट पहुंचाई गई है। और एक मिस्टर सोएब हैं जो अरमान के कज़न हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज हो रही है और जो भी घटना में साक्ष्य आएंगे उसके मुताबिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाशों के गिरोह ने गोलियां चलाई है जिसके बाद मौके पर कोई फिजा पुलिस मौजूद है, जहां मिलन शादी हॉल के पीछे जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां चली थी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।